हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अनबॉक्सिंग व्लॉग। और आज की वीडियो में टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको रिव्यू भी देंगे उसका कि क्या उसमें क्वालिटी है और क्या इम्प्रूवमेंट होती है पहले और बाद में। तो उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा और फिर चलते हैं। जी, तो अनबॉक्सिंग वीडियो आपने YouTube पे पहले तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, लेकिन इस तरह की अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की और माहौल ज़रा सूटेबल सा बना के, और अभी दिखाते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको अनबॉक्स भी करते हैं यहीं पे। जी, तो सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करेंगे बोया का जो माइक है। बिगनर जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी और बहुत सूटेबल डिवाइस है। इसकी क्वालिटी और बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आता। मैं यही प्रेफर करूँगा कि ये जो बोया का जो माइक है ये या बिगनर्स यूट्यूबर्स के लिए ये आप यूज़ करें। मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। पहले वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अभी आप देखें, ये तकरीबन 3000 में आपको मिल जाएगा। इसकी इतनी प्राइस भी नहीं है। और ये जो बोया का जो माइक है इसका जो मॉडल है वो है बाय MM1। जी, तो अभी ये जो क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं साउंड की जो सुन रहे हैं, ये बोया का माइक इसके विदाउट है। ये अभी मोबाइल का ही साउंड है इसकी, यानी कि अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा माइक को, बोया के माइक को यूज़ नहीं कर रहा। ये विदाउट माइक के बगैर आपको क्वालिटी नज़र आ रही है जो भी आप सुन रहे हैं। ऑडियो क्वालिटी आपको जैसी भी लग रही है, साउंड आ रहा है पीछे, नॉइज़ आ रहा है, वो आप बेहतर सुन सकते हैं। और अभी हम चेंज होते हैं बोया के माइक। जी, तो अभी ये जो क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं ये बोया का माइक है। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से और साफ आवाज़ जो है वो आ रही होगी। बैक नॉइज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गुजर रही है साइड पे, लेकिन बिल्कुल भी ट्रैफिक का नॉइज़ इसमें नहीं है। और जो परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें हैं वो भी बहुत सूटेबल सी और यानी कि अच्छी लगती हैं। अगर आई भी आवाज़ रिकॉर्ड हो भी तो अच्छी लगती है। अदरवाइज़ जो नॉइज़ जो पोल्यूशन है वो बिल्कुल भी इस माइक में नहीं है। तो बिगनर्स यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत अच्छा और सूटेबल प्राइस में बोया का माइक जो है वो अच्छा है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये बिगनर्स यूट्यूबर जो हैं वो उनको ये यूज़ करना चाहिए। अभी जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं, करते हैं अभी, और वो भी आपको क्लिप से भी दिखाते हैं कि ये कैसा है और इसकी जो शेप है, लुक है, वो कैसी है। जी, तो अभी जो बोया का माइक है बाय MM1 मॉडल है इसका, ये भी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकेशन है, ये आप खुद ही देख लें। ये है जी बोया का माइक। पहले तो हम देखते हैं इसके कार्ड्स वगैरह। ये एक कार्ड है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी जो वायर्स वगैरह अटैच करनी है। ये इसका वारंटी कार्ड है। यार ये तो भी ये इसका स्टैंड है जी, जिसको कैमरे के साथ अटैच करके और फिर उसको माइक के साथ अटैच किया जाता है। ये वायर है, ठीक है। ये वायर जो है ये मोबाइल के लिए यूज़ होती है। और ये इसका कवर है। कवर के बाद ये वाली जो वायर है, ये दो किस्म की वायर देते हैं। ये वाली जो वायर है ये कैमरे के लिए यूज़ होती है, और ये जो वायर है ये मोबाइल के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब ये है जी माइक। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है और बिगिनर्स यूट्यूबर्स के लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ है। जी, तो अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे MI। ये पावर बैंक है, ये भी मंगवाया था और ये भी अभी अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। इसकी जो स्पेस है वो 10,000 mAh है, यानी कि अगर 3,350 mAh का एक मोबाइल हो तो तकरीबन आप 3 बार उसको जो है ईज़िली यूज़ कर सकते हैं कि सारा दिन आपका ईज़िली निकल सकता है।
एमआई का पावर बैंक जो 10,000 एमएएच का है। तो अभी बारी आती है ट्राईपॉड अनबॉक्स करने की, और ये एल्बर्ट कंपनी का ट्राईपॉड है जो हमने मंगवाया है, और अभी आपको दिखाते हैं कि इसके क्या सीन्स हैं। ये है जी ट्राईपॉड, बहुत प्रोफेशनल है। इसको आप कैमरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो 6 फीट से ज़्यादा है, ये इतना इसका जो है वो तीनों टांगे इसकी निकला। और ये 2-in-1 है, स्पेशलिटी इसकी ये है कि 2-in-1 है। अब 2-in-1 में क्या चीज़ स्पेशल है इसकी वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अगर आपने केली ब्लॉगिंग के लिए या किसी वैसे शूट छोटे मोटे के लिए या सिनेमैटिक्स के लिए आपने यूज़ करना है तो आप इसको केले को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो सिक्वेंस है स्पेशलिटी है वो ये है कि इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ये भी उतना ही बड़ा होता है जितना वो दूसरा है। इसको आप यहाँ पे रखें और या वो कर सकें, ठीक है। ये 2-in-1 और इसकी स्पेशलिटी ये है इस ट्राईपॉड की कि ये अच्छा है। और इसकी जो प्राइस है वो रेंज तकरीबन 3500 के करीब है, और न्यू यूट्यूबर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। वैसे तो ये प्रोफेशनल है, इसको हाई फाई जो यूट्यूबर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा था इसलिए ये ले लिया। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जो बहुत मुझे अच्छे लगे, उसमें स्पेशल जो है वो ये लेवल है कि इसका बैलेंस आप लेवल करके कि किस जगह आपने रख के शूट करना है, और जो उसका लेवल है वो बिल्कुल अच्छा आना चाहिए। तो ये है कि उसके लिए आपको ये लेवल उन्होंने दिया है, इसको पहले सेट करें, सेट करने के बाद आप शूट कर सकते हैं, और जो उसका जो फ्रेम है शूट का फिर जो ऑटोमेटिकली वो अच्छा आएगा क्योंकि लेवल जो है एग्जैक्ट होगा। तो अभी ये अनबॉक्सिंग तो हो गई है सारी, अभी जो हम जिस जगह पे बैठे हैं कश्ती में तो इसके भी अभी कुछ सीन्स आपको चेक कराते हैं कैसा माहौल है, किस जगह पे हमने अनबॉक्सिंग की है वो भी अभी आपको भी। जी तो अभी उम्मीद करते हैं जो छोटी सी वीडियो अनबॉक्सिंग की हमने बनाई है डिफरेंट स्टाइल में ये आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।